हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आजकल जो है इस समय लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, और मैं कंटिन्यू आपको जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड और जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी के लिए आप सबको अपडेट कर रही हूँ। तो ये पहली वैकेंसी आई है जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी आई हुई है, ये है सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत में आई हुई है। इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की 3 पोस्टें निकली हुई हैं जो कि अनरिजर्व्ड हैं, और साथ ही साथ इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो है 30 साल, यानी कि 30 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये इसमें पूरा ब्यौरा ये देखिए इसमें दिया हुआ है, साथ ही साथ इसकी जो फुल डिटेल है उसको आप जो है इसकी वेबसाइट पर जा कर के डायरेक्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि 5 नवंबर से 11 नवंबर का है उसमें इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर 2022 तक की। और इसमें और अगर आप इसमें और अदर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट www.sbnit.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं। ये ऑनलाइन इसमें फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करके फिर इसका इसको फिल करके साथ ही साथ इसमें आप अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इन सब को और साथ ही साथ जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है इसको अटैच करके आपको इसे स्पीड पोस्ट से सबमिट करना हो इसमें दिए गए एड्रेस पर। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में। इसमें भी जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है जो कि पोस्ट हुई है 27/10/2022 को। और इसमें ये देखिए जो निकली है वैकेंसी वो निकली है सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, और इसमें जो पे लेवल है वो 7th पे है। और ये लेकिन ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जैसे कि डेपुटेशन फेलिंग विच ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें एज जो मांगी गई है वो 35 ईयर्स मांगी गई है। साथ ही इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड जो मांगा गया है एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो है करीब 5 ईयर्स सर्विस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन द ग्रेट पे ऑफ ₹4,200 और इक्वेलेंट। एक्सपीरियंस जो नेक्स्ट जो इसमें मांगी गई है वो है एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो लोग भी इसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो इसके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल दी गई है वो इसकी वेबसाइट पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है nidmp.ac.in/recruitment.html पर आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो है 30/11/2022। सो ऑल द बेस्ट। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली है वो निकली है रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की ये परमानेंट वैकेंसी है जो कि रामलाल आनंद कॉलेज में निकाली गई है। 7th पे स्केल दे रहे हैं, और इसमें जो जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी किसके लिए है, ये अनरिजर्व्ड है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए डिज़ायरेबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम जो है अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें ₹500 फ़ी ली जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो एससी एसटी और वोमेन कैंडिडेट साथ ही साथ PWBT वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। और इसकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.rlacollege.edu.in पर आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट है 25/11/2022। वीडियो आपको कैसा लगा है वो ज़रूर से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर
5 नवंबर से 5 से 11 नवंबर वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसको आप देख सकते हैं। इसमें सारी डिटेल दी हुई है, साथ ही मैंने आपको इसकी वेबसाइट्स के बारे में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।